बोलो भाई एक्चुअली क्या ये सॉन्ग अमावस लोगों को बताया तो बोलते नेगेटिव सॉन्ग है, बट इसमें क्या किया हमारे पास जब ये सॉन्ग आया तो हमारे पास हमारी टीम ने सिर्फ गन दी कि गन है सॉन्ग बनाना है और सॉन्ग ऐसा बनाना है कि वही नहीं दिखाना है, कुछ अलग दिखाना है इसमें। इसमें अलग इसमें क्या किया, इसमें नेगेटिव रोल इनको दिया था, एक्ट्रेस को नेगेटिव रोल दिया था और उस पर पूरा गाना हम लोग ने खुद नहीं स्टोरी लिख के पूरा ऐसे शूट किया जयपुर में। ये सॉन्ग के बारे में ये कहना चाहूँगा, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। निकिता जी ने, गौरव जी ने, जो हमारी डायरेक्टर टीम है, सब लोगों ने बहुत अच्छा ये किया हुआ है। मोस्ट अपीलिंग सॉन्ग है और आपने सुने होगा। आपको कैसे लगा? कैसे लगा आप लोगों को? तो यही है, बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इसका नेम चेंज करना चाहिए, अमावस नहीं, इस नेगेटिव थिंग एंड ऑल। बोला नहीं, ये अमावस है तो अमावस ही रहेगा, वही कुछ चेंज नहीं होगा, और जो है वो आपके सामने है, आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है। जी मेरे है अभी काफ़ी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, वेब सीरीज़ है, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स है, अभी फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे, और 2 फिल्म से अभी फीचर फिल्म से जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, शायद से नेक्स्ट दुबई का एक सॉन्ग है, शायद दुबई में एक सॉन्ग पैरिस है, नेक्स्ट मंथ में मॉस्को है, तो जा रहे। सॉरी, बीइंग अ प्रोड्यूसर व्हाट इसके अलावा, तो हर फील्ड में मेरी महारत है, लेकिन मैं इस फील्ड में अभी भी महारत बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, अच्छी टीम्स मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं आगे जाऊँ, कुछ करूँ और कुछ अच्छा सर करूँ। एज अ डॉक्टर मेरा पेशा ही वही है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस दूँ, ये करूँ, तो एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेसमैन, एज अ व्हाटएवर, तो ये फील्ड में भी मैं लोगों को कुछ अच्छा ही
दूंगा और देने वाला हूँ जी 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 काफ़ी प्लेटफॉर्म से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है म्यूजिक प्लेटफॉर्म को, मतलब जो म्यूजिक एल्बम्स हैं, म्यूजिक सॉन्ग्स हैं, जो एल्बम्स जाएंगे, जो सॉन्ग्स जाएंगे हम लोगों के, तो काफ़ी लोगों से बात चल ही रही है। और मेरा खुद का चैनल भी है जो अभी अमावस जो सॉन्ग है तो मेरे खुद के चैनल पर रिलीज हो रहा है। इससे पहले जो मेरा सॉन्ग बना था गजेंद्र वर्मा जी के, इस पर हुआ था। तो होगा वन बाय वन, आप देखोगे ही सब, हम मिलते ही रहेंगे। चैलेंजिंग तो है ही है, बट क्या ये हमारा अभी शुरुआत है। अभी दोनों भाई मिले हैं, अभी कुछ अच्छा दे लोगों को, अभी हम वही सोच रहे हैं। पहले चाहे तो हम टाइप अभी करेंगे टी सीरीज़, नहीं तो किसी का टाइप करेंगे, पर एक हमारा भी एक हमारा खुद का एक ये है मैनर, वो भी हम मतलब वो लेवल तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। ये तो अभी हमारी शुरुआत है। थैंक यू। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक देम, द एंटायर टीम, प्रांजल जी, आशु जी, रुपेश जी, समीर जी, एंटायर टीम आर सो क्रिएटिव, सो इनोवेटिव, और आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि उन्होंने मुझे चांस दिया, एंड रियली थैंकफुल टू देम। ये सॉन्ग के मुझे लिरिक्स बहुत अपीलिंग लगे, एंड द डेप्थ ऑफ द सॉन्ग इज़ रियली गुड। और हर एक का लाइफ में किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है, एवरी इंडिविजुअल का, तो इट इज़ दैट फीलिंग विच हैज़ बीन पोर्ट्रेड, एंड आई एम लकी आई पोर्ट्रेड इट, सो आई फील्ड इट रियली लकी। सी बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आप सॉन्ग देख सकते हो, विजुअल, म्यूजिक, टीम, जितनी भी टीम है, मैं सबके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है, और बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से शूट किया है, एंड आई थिंक जो चीज़ उन्होंने बोली थी वैसा ही बिल्कुल डिलीवर हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इट्स लाइक अ कास्टिंग प्रोसेस। जब टीम देख रही थी तो इट वॉज ऐसा कि कौन सा जो कास्ट है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग सूट करेगा उस कैरेक्टर के हिसाब से। Exactly. तो एक गुड लुकिंग लड़का, एक गुड लुकिंग लड़की, तो मोस्टली वही दिल तोड़ते हैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज इज गुड लुकिंग। तो उनकी लव स्टोरी, उनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आई थिंक दे लाइक। और एक लड़की का इसमें किरदार है, थोड़ा ग्रे शेड भी दिखाया है। करेक्ट। सो आप वीडियो आगे देखे हुए तो आपको पता भी चलेगा। तो हाँ हाँ, ऑफकोर्स कुछ हटके करने का वाइब था इस सॉन्ग में, इसीलिए तो हमने चूज़ भी किया। और उसके लिरिक्स ही मैंने कहा, जैसे कि इतना डेप्थ है इसमें कि इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करने के लिए भी बहुत मज़ा आया। It was full on fun. We just met and we just clicked, क्योंकि हम दोनों वर्गोज हैं। तो हम लोग अपने सनसाइन को, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को, हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसके स्ट्रगल्स, लॉकडाउन, और कितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू दूसरा, और हम रात के 3-4 बजे तक शूट कर रहे थे, तो इट वाज वेरी लाइवली, ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है, डेड थे, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर, बहुत यू जस्ट लाफिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि आई फील कि इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है। यस। और हार्ट ब्रेक तो होता है हर एक इंसान का, तो उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट करके पोर्ट्रे करके मूव ऑन होना चाहिए। आई थिंक दिल टूटता है तो ऐसे ही गाने होते हैं जो हमें मूव ऑन करने में मदद करते हैं, तो ये आई थिंक वही एक गाना है कि अगर किसी का दिल टूटा है, कोई छोड़ के चला गया, ऐसे गाने सुन सुन के इट्स ईजी टू मूव ऑन, कि यार ठीक है अभी हम आवस हो गया तो जस्ट मूव ऑन। ज़्यादा नहीं, जब जब प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तब दिल टूट जाता है। जब जब कोई ऐसा लगता है प्रोजेक्ट डन है और नहीं हो पाता है, मोस्टली तभी दिल टूटता है, मोस्टली। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द ऑडियंस,
सी एक तो बहुत ही ज़्यादा अमित जी ने बहुत अच्छा गाया है, हमने बहुत विजुअली अच्छा शूट किया है, और आई थिंक ये एक वो ऐसा गाना है जैसे आजकल एक सूफी और एक वो ट्रेंड चल रहा है कि दिल को छूने वाला गाना, आप इसको अगर आप विजुअली भी नहीं सुन के सिर्फ कानों से भी सुनोगे तो सुनने में बहुत सूथिंग है, और डेफिनेटली ये एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ही रहेगा। एग्जैक्टली, सैड सॉन्ग है और एक्सेप्टेंस आना मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें आपको केमिस्ट्री को भी देखने को मिल रहा है, प्लस ब्रेकअप के बाद का सारा फेजेस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा, एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आई वॉज इन द होम एंड अमन कॉल्ड मी कि अमित भाई एक बहुत अच्छा गाना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आप सुनो, कैसा लग रहा है ये बताओ बस। तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो मैं तो लो टू हाई सब गा लेता हूँ, तो हाई नोट का गाना था, फील बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला गो हैड करते हैं इसको। फिर रिकॉर्ड हुआ गाना, देन वीडियो शूट हुआ, बस इतनी सी कहानी। सॉरी, प्रांजल जी से मेरी मुलाकात हुई जब सेशन हमारा पहला हुआ रिकॉर्डिंग के पहले, तो उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके कि हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और तब से हम लोग एज अ ब्रदर कहते हैं ना कि दोस्ती हो गई, और काफ़ी सारा काम भी आगे हम लोग कर रहे हैं, और फिर इसके बाद में वीडियो शूट पे गए तो साथ में ही हम लोग सब लोग गए और फिर वीडियो शूट हुआ। जी बिल्कुल जी, ना एक्चुअली ये गाना कंपोज किया है अभिषेक अमोल ने, वो आज आए नहीं, वो थोड़ा आउट ऑफ मुंबई है, लेकिन गाना जब बनता है तो एक कन्विक्शन से बनता है कि हमारा थॉट क्या है। तो ये रोमांटिक सैड सॉन्ग था, और एज अ सिंगर मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ में कैसा जाएगा, जैसे जब ड्रीम गर्ल का मेरा आपने गाना सुना राधे राधे, तो आयुष्मान खुराना के ऊपर था, तो उसके जो नोट्स थे तो आयुष्मान पाजी के ऊपर फिल्माया जाना है गाना, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे, कैसे वो दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से गाना पड़ता है। और सिंगल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपनी पावर से गाते हैं, देन शूट अपने हिसाब से हो जाता है, तो थोड़ा सा फिल्म का और सिंगल्स का वो डिफरेंस रहता है। अगर सामने से पता है कि सामने वाला एक्टर इतना बड़ा है तो उस हिसाब से हम लोग गाते हैं, और अगर सिंगल्स के लिए है तो फिर अपनी पावर के हिसाब से गाते हैं। जी जी, तो अभी तो आश्रम वेब सीरीज़ आई थी, उसमें बाबा लाइन क्रांति मेरा अच्छा खासा हिट गया, आफ्टर राधे राधे दिन अमावस आया, इसके बाद में हमारी एक फिल्म आ रही है नुसरत भरूचा की, जनहित में जा रही है, तो उसमें मेरा और धोनी भानुशाली का डुएट सॉन्ग है होली का, तो होली में रिलीज़ हो रहा है, बहुत बड़ा शूट हुआ है, तो आई होप कि राधे राधे के बाद वो गाना धमाल मचाएगा। और इसके बाद में लास्ट मंथ में 20 सिंगल्स मैंने किए हैं, तो 20 म्यूज़िक वीडियोज़ आ रहे हैं, तो अब एक से डेढ़ महीने में 20 गाने गाए हैं, तो शायद 50 सॉन्ग्स का टारगेट है 2022 में, तो देखते हैं क्या होता है, 50 के ऊपर गाने आने वाले। ओके, जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया, मेरी आँखों का सितारा अब अंधेरा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया, हो नर नार 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 ना नर ना 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 हो नर नार 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 ना नर नार नार ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड टू सी यू हियर इन मुंबई एंड टू। थैंक यू। टेल अस योर एक्सपीरियंस हियर, यू आर हियर द गेस्ट। आई एम फीलिंग अमेजिंग एंड यू, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ बीइंग नाइस टू मी। जब से हम लोग जानने लगे शी इज द मोस्ट टैलेंटेड मॉडल,
इन्होंने इनका करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया, इन्होंने काफ़ी एल्बम्स किए, काफ़ी सीरियल्स में भी आई हुई है, और उसके बाद में अभी मेरी नेक्स्ट मूवी में भी आ रही है, तो शी इज़ अ टैलेंटेड, वो टैलेंट मैंने देखा हुआ है इनका, तो आज हमारे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं ये, तो मिस कश्मीर आई थिंक बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ने कश्मीर को इतनी खूबसूरती से नवाजा है, वहाँ पे इतनी खूबसूरती है, उसमें से अगर मुझे मिस कश्मीर मोस्ट ब्यूटीफुल कश्मीर अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, या जी हाँ एक्चुअली बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी होना ज़रूरी है, और वो है, एंड वो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है कि यू नो आप कश्मीर से हो और यहाँ पे लोग आपको इतना सराहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स अ लॉट, सो या नो यू आर द फर्स्ट पर्सन जी मेरी एक फीचर फिल्म जा रही है जो कश्मीर बेस है, और उसमें लीड एक्ट्रेस अंजुम है जो कश्मीर में शूट होगी, और हम लोग वो मूवी में जो रियलिटी थी कश्मीर की, एक लड़की की कहानी है, अंजुम कश्मीर से ही है, तो मुझे ऐसे लगा कि जस्टिफाई कौन कर पाएगा वो रोल के लिए, तो शी इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो एज अ लीड शी इज़ देयर, आप बहुत जल्द देखोगे वो भी मूवी, और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, थैंक यू थैंक यू, गॉड्स ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड माय टीम्स हार्ड वर्क. Started from a very small restaurant, 1500 square feet, now reached to 51,000 square feet in Dubai. I guess India se abroad jane wala night club mein pehla brand hoga. Hamesha out of India se brands yahan aate, but Amethyst would be the first brand going to Dubai. Expansion, as I said, Dubai in pipeline, Goa and many other cities will reveal out soon. You should actually visit. Tuesdays are happening. We have our Cuddle Nights curated by Mr. Maddie. And then we have fashion shows happening here every fortnight, every 15 days. Different, we encourage different stylists to promote their talent out here, new models. So yeah, this is happening very much. And Elder Brothers, supporting them. They are supporting me, supporting each other going ahead. All my best wishes to them for this song and the entire team. I love the song. I've heard it already. And now again, we're going to hear it. So it's an amazing one.